This Lalan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो ऑफलाइन गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ये पहली लहर से ज्यादा विकराल और जानलेवा है। मरीजों की संख्या एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। उनकी संख्या अस्पतालों की बेड क्षमता से कहीं ज्यादा है। ये हालात ऐसे समय में बने हैं जब भारत COVID-19 महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। इन सबके बीच एक दवा फिर से चर्चा में आ गई है, रेमडेसिविर। 2020 में COVID-19 महामारी की रोकथाम में इस्तेमाल होने वाली इस दवा की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। कोरोना मरीजों को बचाने के लिए देश भर में इसे खोजा जा रहा है। ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं जब कोरोना वायरस की रोकथाम और उपचार के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है तो अचानक रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर इतना जोर क्यों है। तो आइए हम सब आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये रेमडेसिविर क्या है। रेमडेसिविर वैक्सीन नहीं बल्कि एक एंटीवायरल दवा है। इसे इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। रेमडेसिविर को मूल रूप से हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए बनाया गया था 2009 में, लेकिन ये दवा इस बीमारी को रोकने में नाकाम रही। फिर 2015 में इसकी निर्माता कंपनी गिलियड साइंसेस ने परीक्षणों के आधार पर दावा किया कि ये ड्रग अफ्रीका में कहर बरपाने वाले इबोला वायरस को ब्लॉक करने में कामयाब रहा। बाद में बताया गया कि ये ड्रग अन्य प्रकार के विषाणुओं को भी फैलने से रोकने में सक्षम साबित हो सकता है। इनमें कोरोना विरिडाई वायरस परिवार के भाई बंधु यानी अलग अलग कोरोना वायरस भी शामिल हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस सार्स COV-2 ने दुनिया भर में फैलना शुरू किया तो किसी को इसके इलाज की जानकारी नहीं थी। ऐसे में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने पहले से मौजूद दवाओं और वैक्सीनों का प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। इस प्रयास में COVID-19 के खिलाफ सबसे पहली चर्चित दवा रेमडेसिविर ही थी। हालांकि दवा को लेकर ऐसे भी अध्ययन आए जिनमें इसे कोरोना मरीजों के लिए न सिर्फ बेअसर बताया गया बल्कि असुरक्षित और खतरनाक भी करार दिया गया। लेकिन फिर एक चर्चित स्टडी में डॉक्टरों ने कई कोविड पेशेंट्स पर रेमडेसिविर को आजमाया। इस बार पता चला कि दवा के इस्तेमाल से गंभीर मरीजों की हालत में सुधार हो सकता है और उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाने की जरूरत भी 68% तक कम हो सकती है। नवंबर 2020 में दुनिया की जानी मानी मेडिकल पत्रिका न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने इस अध्ययन को प्रकाशित किया था। तब इससे जुड़े तथ्यों को स्वीकारते हुए अमेरिका की शीर्ष ड्रग रेगुलेटर एजेंसी FDA ने रेमडेसिविर को COVID-19 के इलाज में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। तब से दुनिया भर में इस दवा की मांग बनी हुई है। हालांकि WHO ये पहले ही कह चुका है कि इस दवा की COVID-19 की मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सवाल उठता है कि रेमडेसिविर कोरोना या किसी भी वायरस के खिलाफ काम कैसे करती है। तो पहले ये जान लीजिए कि कोरोना हो या कोई भी अन्य वायरस हो, अधिकतर को जीवित रहने के लिए जिंदा चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हम इंसान। हमारे शरीर में घुसने के बाद ये वायरस अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके लिए हमारी कोशिकाओं का सहारा लेते हैं। अपने जेनेटिक मटेरियल के जरिए ये कोशिकाओं में अपनी कॉपियां बनाने लगते हैं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल या कहें RNA ये काम पूरी तरह अपने दम पर नहीं करते। इसके लिए उन्हें कुछ विशेष एंजाइम्स की जरूरत होती है। ये एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं जो शरीर में केमिकल रिएक्शन को तेज करने में मदद करते हैं। रेमडेसिविर इन एंजाइम्स को टारगेट बनाते हुए इन्हें ब्लॉक कर देती है। इस तरह ये वायरस के RNA को ही काम करने से रोक देती है। इससे वायरस अपनी कॉपियां नहीं बना पाता और उसका संक्रमण आगे नहीं बढ़ पाता। नतीजन मरीज की हालत गंभीर नहीं होती और उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरू में रेमडेसिविर दवा का निर्माण सिर्फ इसकी निर्माता कंपनी यानी गिलियड साइंसेस करती थी। इस कारण कोरोना संकट की शुरुआत में भी इसकी उपलब्धता जरूरत से काफी कम थी। बाद में कंपनी ने अन्य कंपनियों से इसके निर्माण के लिए समझौते किए थे। इसके बाद भारत में भी इस दवा का निर्माण शुरू हुआ। गिलियड ने सिप्ला, हेट्रोलैब्स, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस और मिलान समेत 7 भारतीय फार्मा कंपनियों के साथ इसे बनाने का अग्रीमेंट किया था। ये सभी कंपनियां बड़े पैमाने पर यह दवा बनाती हैं और दुनिया के तकरीबन 126 देशों को इसका निर्यात करती हैं। बाजार से ये दवा गायब होने के कई कारण हैं। जानकार पहला कारण यही बताते हैं कि सरकार ने उड़ान नीति अपनाते हुए दवा के निर्यात पर रोक नहीं लगाई। इस कारण अचानक पैदा हुई इमरजेंसी में देश में इसका पर्याप्त स्टॉक नहीं है। दूसरा, जरूरत और मांग को देखते हुए लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए इसकी कालाबाजारी शुरू कर दी। गुजरात में पिछले साल दवा की कालाबाजारी के कई मामले सामने आए थे।
अहमदाबाद और सूरत जैसे इलाकों में लोग किसी भी कीमत पर यह दवा खरीद रहे हैं। इसकी वजह से उन मरीजों को यह दवा मुश्किल से मिलती रही है जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है। सरकार ने इस दवा की कीमत 2500 रुपए निर्धारित की है, लेकिन मांग के मुकाबले स्टॉक कम होने के कारण मरीजों को ये कई गुना ज्यादा कीमत पर लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महानगरों से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी यही हाल है। यहाँ किसी भी सूरत में मरीजों को यह दवा नहीं मिल पा रही है। हमारे साथी सिद्धांत के दो रिश्तेदार कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से वेंटिलेटर पर थे। उनमें से एक की रेमडेसिविर ना मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई। दूसरे मरीज के लिए दवा की खोज जारी है, अभी तक बंदोबस्त नहीं हो पाया है। दवा की सप्लाई मरीजों को हो सके इसके लिए सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद भी घरेलू बाजार में हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। दवा कंपनियों द्वारा हर महीने लगभग 39 लाख डोज बनाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन इस समय 11 लाख कोरोना के एक्टिव मामलों की मौजूदा संख्या 11 लाख है। 11 लाख मरीजों को भी दवा सप्लाई होने में दिक्कत आ रही है। इस बाबत जब हमने निजी और सरकारी अस्पतालों से संपर्क करने की कोशिश की तो डॉक्टर्स ने इस बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी प्रगति ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।